दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वफा आएगी। दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वफा आएगी। मैं उठा लूंगा बड़े शौक से उसको सर पर, खिदमत ए कौम को वतन में जो बला आएगी। इस बहुत सी प्यारी शायरी के साथ हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो टुडे विल डू द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर दैट वी हैव लर्न्ड, एंड आफ्टरवर्ड्स विल मूव फॉरवर्ड। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, फॉर टुडेज इन टुडेज लेक्चर इज टू होल्ड ऑल द कार्ड्स, टू होल्ड ऑल द कार्ड्स, एंड द ऑप्शंस आर ए कंप्लीटली अग्री विथ, बी टू हैव अ स्ट्रॉन्ग एडवांटेज, सी हेल्पफुल और एफिशियंट सर्विस, एंड डी इजीली सिक्योर्ड। यस, द राइट ऑप्शन इज बी टू हैव अ स्ट्रॉन्ग एडवांटेज, टू होल्ड ऑल द कार्ड्स। हमने वो एक मैनेजमेंट की टीम देखी थी पिक्चर से, टू होल्ड ऑल द कार्ड्स मीन्स टू हैव अ स्ट्रॉन्ग एडवांटेज। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज येलो प्रेस, येलो प्रेस। ऑप्शंस आर ए प्रोटेस्ट एंग्रली, बी पॉपुलर एंड सेंसेशनल न्यूज़पेपर्स, सी नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन, एंड डी टू रियून अ प्लान। वेरी इजी, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। लाइक प्रेस से हमने क्या याद रखना था, न्यूज़पेपर्स को। सो इट इज पॉपुलर एंड सेंसेशनल न्यूज़पेपर्स। और क्वेश्चन नंबर 3 इज वेल ऑफ अ टाइम। ऑप्शंस आर अ वेरी इंजॉयबल एक्सपीरियंस, बी टू गेट पनिशमेंट, सी टू डू एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, एंड डी टू हैव अ बिग सक्सेस। सो व्हाट डू यू थिंक? यस, द राइट ऑप्शन इज अ वेरी इंजॉयबल एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 4 इज वे वंस वर्थ। ऑप्शंस आर मेक अ सडन चेंज इन पोजीशन ओवर एन इश्यू, बी इनएक्सपीरियंस्ड, सी अ वीक फ्लॉ इन पर्सन्स नेचर, एंड डी बी केयरफुल टू व्हाट वन सेज। वे वंस वर्थ, हमने ये ओरेटर से देखा था, ओरेटर के एग्जाम्पल से। ओके, सो क्या होगा इसका? बी केयरफुल टू व्हाट वन सेज। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, यस्टरडेज मैन और यस्टरडेज वुमेन। ऑप्शंस आर समवन हुज करियर इज ओवर, बी समवन हु एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन ऑन विच नो वन बिलीव्स, सी वेरी यंग और इमेच्योर पर्सन, डी इज कोवर्ड और इजिली स्केयर्ड। यस, और राइट आंसर इज समवन हुज करियर इज ओवर। हमने ये किससे देखा था? पॉलिटिशियन से, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसका करियर खत्म हो गया है, हमने वैसे देखा था। यस्टरडे मतलब कल, कल मतलब खत्म है वो अब। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? समवन हुज करियर इज ओवर। हेलो एवरीवन, सो इन टुडेस क्लास वी विल कवर नेक्स्ट 30 इडियम्स एंड फ्रेजेस। सो फर्स्ट इडियम फॉर टुडेस क्लास इज 61, दैट इज वीकर ऑफ ब्रे। ओके, सो वीकर ऑफ ब्रे, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है अ पर्सन हु चेंजेस हिज बिलीव्स एंड प्रिंसिपल्स टू स्टे पॉपुलर विद पीपल अबव देम। ठीक है, एक ऐसा बंदा जो अपने बिलीव्स या अपने प्रिंसिपल्स को चेंज कर देता है ताकि वो लोगों में पॉपुलर रहे। ओके, उनके ऊपर है, पॉपुलर विद पीपल अबव देम, ताकि उन लोगों में वो पॉपुलर रहे। ओके, सो वीकर ऑफ ब्रे जो है, हम एक पॉलिटिशियन के साथ उसको एग्जामिन कर सकते हैं, समझ सकते हैं इस मीनिंग को। सो इसका यूसेज क्या है? दिस यंग पॉलिटिशियन इज वीकर ऑफ ब्रे एंड कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू विन दिस इलेक्शन। यंग पॉलिटिशियन है, ये वीकर ऑफ ब्रे है, मीन्स ये अपने बिलीव्स या प्रिंसिपल्स को चेंज करेगा, ये किसी भी एक्सटेंट तक, किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं ताकि वो इलेक्शन को जीते। ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस यही तो करते हैं, वो किसी भी एक्सटेंट तक जाएंगे सो दैट दे विल विन द इलेक्शन। ओके, सो वीकर ऑफ ब्रे क्या होता है? एक ऐसा बंदा, एक ऐसा पर्सन जो अपने बिलीव्स या अपने प्रिंसिपल्स को चेंज करेगा टू स्टे पॉपुलर विद पीपल अबव देम। ओके, सो नेक्स्ट इज वेंट्रियो स्प्लीन। वेंट्रियो स्प्लीन क्या होता है? बेसिकली स्प्लीन, अगर हम बायोलॉजिकली देखें, इट्स एन ऑर्गन। ओके, ये एक ऑर्गन है, बट इंग्लिश में इफ यू टॉक अबाउट द लैंग्वेज, इन दिस केस वेंट्रियो स्प्लीन, वेंट्रियो स्प्लीन का मीनिंग है टू शो एंगर। ओके, वेंट्रियो स्प्लीन, वेंट क्या होता है? ओपनिंग को हम बोलते हैं वेंट को। ओके, किसी भी चीज की ओपनिंग को उसे हम वेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूजली हम वॉल्केनोज में स्टडी करते हैं ना वेंट,
जहां से मैग्मा आता है. ओके सो वेंट का मीनिंग है, वेंटियो स्प्लेन मीन्स टू शोइंग, गुस्सा बाहर निकल रहा है. ओके उसे हम क्या बोलेंगे, वेंटियो स्प्लेन. जैसे हम वॉल्केनो से गुस्सा, वॉल्केनो से जैसे बाहर निकल रहा है सब कुछ मैग्मा, ठीक है, गुस्सा बाहर आ रहा है. सो वेंटियो स्प्लेन मीन्स टू शो एंगर. सो यूसेज इज एमी फेल्ट दैट शी हैड बीन बैडली ट्रीटेड बाय द मीडिया, सो शी टुक द चांस टू एंड हर स्प्लेन टू वेंट, इसमें वेंट कर देना, टू वेंट हर स्प्लेन ड्यूरिंग द इनविटेशन. ओके सो वेंट योर स्प्लेन मीन्स गुस्सा बाहर निकालना. अब एमी जो थी उसके मीडिया ने बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया था, उसने चांस लिया कि इनविटेशन में वो अपना गुस्सा सारा बाहर निकालेगी. सो वेंट योर स्प्लेन मीन्स टू शो एंगर. नेक्स्ट इज टू हैंग फायर. टू हैंग फायर मीन्स जैसे हम देख सकते हैं ये वेट कर रहे हैं, कोई चीज डिले हो रही है और बार बार वेट करे जा रहे हैं. सो टू हैंग फायर का मीन्स है टू डिले, किसी भी चीज को डिले करना, दैट इज कॉल्ड टू हैंग फायर. सो वट इज द यूसेज, यूसेज इज अ न्यू ईयर प्लान्स हैव टू हैंग फायर अंटिल वी गेट परमिशन फ्रॉम अवर फैमिली. इट मीन्स जब तक हमें फैमिली से परमिशन नहीं मिलेगी हमारे, तब तक न्यू ईयर प्लान्स जो होंगे वो डिले होते रहेंगे. ओके टू हैंग फायर, हैंग पे लगा दिए. ओके टू हैंग फायर मीन्स टू डिले करना. ओके नेक्स्ट इज टू गो लाइक द विंड. टू गो लाइक द विंड, हवा की तरह जाना. हवा की तरह मीन्स टू मूव वेरी क्विकली. टू गो लाइक द विंड मीन्स टू मूव वेरी क्विकली. सो व्हाट इज द यूसेज, यूसेज इज व्हेन द अर्थक्वेक हिट द सिटी पीपल वर रिक्वेस्टेड टू गो लाइक द विंड एंड इवैक्यूएट बिल्डिंग. ऑब्वियसली जब अर्थक्वेक जो है सिटी में अर्थक्वेक आ गया है, लोग जो है वो किस तरह से भागेंगे, जैसे एक हवा की तरह भाग रहे, इट मीन्स बहुत क्विकली भागेंगे. ओके टू गो लाइक द विंड मीन्स टू मूव वेरी क्विकली, जैसे ये बहुत तेज भाग रहे हवा की तरह. सो इन दैट केस वी कैन यूज टू गो लाइक द विंड. सो नेक्स्ट idiom इज टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल. टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, इट मीन्स टॉकिंग विद नो रिस्पॉन्स. ओके ब्रिक वॉल मीन्स मैं दीवार से मैं ऐसी बात कर रहा हूँ और कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इन दैट केस वी कैन यूज टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल. सो वट इज द यूसेज, यूसेज इज आई हैव ट्राई टू डिस्कस माई फीलिंग्स विद हर बट इट्स लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल. जैसे मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने डिस्कस किया अपनी फीलिंग्स को उसके साथ, बट ऐसा लग रहा है कि वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया. ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सीम्स लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, इट मीन्स शी गेव नो रिस्पॉन्स. ओके सो नेक्स्ट idiom इज टू लुक थ्रू रोज कलर्ड ग्लासेस. टू लुक थ्रू रोज कलर्ड ग्लासेस, इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है, टू लुक द थिंग्स नॉट एज दे आर अनरियलिस्टिक. जब हम अनरियलिस्टिक होते हैं, हम बिल्कुल रियलिटी में नहीं है, इन दैट केस वी कैन यूज द idiom टू लुक थ्रू रोज कलर्ड ग्लासेस. ओके टू लुक थ्रू रोज कलर्ड ग्लासेस, इसका यूसेज यहाँ पे क्या है, शी हैज ऑलवेज लुक दैट लाइफ थ्रू रोज कलर्ड ग्लासेस. उसने हमेशा लाइफ को बहुत अनरियलिस्टिकली, ओके अनरियलिस्टिकली उसने हमेशा लाइफ को कैसा देखा है, हमेशा अनरियलिस्टिक मतलब सही तरीके से नहीं देखा है, जैसे रियलिटी में होता है उस तरह से नहीं देखा है, बिल्कुल अनरियल की तरह उसने वहां पे देखा है. ओके टू लुक थ्रू रोज कलर ग्लासेस, हम एग्जामिन कर सकते हैं जैसे एक उसके आगे एक इल्यूजन सी है, वैसे वो देख रही है किसी चीज को, रियलिटी में नहीं है वो. इन दैट केस वी कैन यूज टू लुक थ्रू रोज कलर्ड ग्लासेस. ओके सो नेक्स्ट idiom इज थ्रू थिक एंड थिन. ओके थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन इसका मीनिंग होता है अंडर ऑल कंडीशंस, कैसी भी कंडीशन में आपके साथ हूं, इन दैट केस वी कैन यूज थ्रू थिक एंड थिन. ओके सो थ्रू थिक एंड थिन का यूसेज क्या है, शी हैज स्टक विद मी थ्रू थिक एंड थिन, कि वो मेरे साथ ही थी, जैसी भी मेरी कंडीशंस थी, अच्छी थी बुरी थी, बट शी वॉज विद मी, इन दैट केस वी कैन यूज द idiom थ्रू थिक एंड थिन. नेक्स्ट इज टू ब्लो अ फ्यूज. जैसे हम देख सकते हैं ये एक बॉस है, एकदम से गुस्सा हो गया है, टू ब्लो अ फ्यूज. टू ब्लो अ फ्यूज क्या होता है यहाँ पे, टू टर्न समवन एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना, इन दैट केस वी कैन यूज टू ब्लो अ फ्यूज. ओके सो यूसेज इज द बॉस ब्लू अ फ्यूज व्हेन द शिपमेंट डिंट अराइव ऑन टाइम. बॉस को गुस्सा आ गया जब शिपमेंट टाइम पे नहीं है, टू ब्लो अ फ्यूज, फ्यूज उड़ गया ना, तो इन दैट केस वी कैन यूज टू टर्न समवन एंग्री. नेक्स्ट idiom इज टू क्रो ओवर. देखो क्रो ओवर जो वर्ड है ना, जैसे क्रो हम किसे बोलते हैं, कौए को, है ना, बट क्रो का एक और मीनिंग होता है बोस्ट करना, मतलब अपने आप को ज्यादा बताना कि बड़ा चढ़ा के बोलना, देखो मैंने क्या कर लिया, मैं जीत गया, ये है वो है. इन दैट केस वी कैन यूज टू क्रो ओवर. टू क्रो ओवर मीन्स टू ट्रम्फ ओवर समथिंग और ब्रैगिंग, बोस्टिंग और ग्लोटिंग अबाउट अ पर्सनल अचीवमेंट. सबका मीनिंग सेम है कि अपनी पर्सनल अचीवमेंट को बड़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है, बोस्ट करना, ट्रम्फ करना, देखो
देखो मैं जीत गया, इन दैट केस वी कैन यूज टू क्रो ओवर, जैसे बहुत एक्टिंग मार रहा है ये बंदा, ठीक है, इन दैट केस वी कैन यूज द इडियम टू क्रो ओवर. सो व्हाट इज द यूसेज, फाइन यू टॉप्ड द एग्जाम, यू डोंट हैव टू क्रो ओवर इट, ठीक है, अपने एग्जाम को टॉप कर लिया, ज्यादा एक्टिंग मत मारो, जब एक्टिंग मत मारो इन दैट केस यू डोंट हैव टू क्रो ओवर इट. टू क्रो ओवर इट का मीनिंग क्या है, ज्यादा एक्टिंग मत मारो, ज्यादा बोस्ट मत करो, इन दैट केस ज्यादा बोस्टिंग मत करो, इन दैट केस वी कैन यूज टू क्रो ओवर. ओके, नेक्स्ट इज टॉक टॉकी. टॉक टॉकी का मीनिंग क्या होता है, टू डिस्कस अ प्रॉब्लम विद अ रियल इंटेंशन टू सॉल्व इट. जैसे यहाँ पे सारे पजल्स को जोड़ रहे हैं, इट मीन्स दे आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ठीक है, उनकी इंटेंशन है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. सो एक ऐसी प्रॉब्लम को डिस्कस करना, प्रॉब्लम को, ताकि एक सोल्यूशन हम निकाल पाए, एक प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर रहे हैं, वाई वी आर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम, सो दैट वी कैन एबल टू फाइंड द सोल्यूशन, इन दैट केस वी कैन यूज द इडियम टॉक टॉकी. सो वट इज द यूसेज, यूसेज इज शी प्रॉमिस टू गो टॉक टॉकी विद द रिप्रेजेंटेटिव्स. उसने प्रॉमिस किया रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ कि वो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर फाइंड आउट करेगी. सो टॉक टॉकी का मीन्स क्या है, टू डिस्कस अ प्रॉब्लम विद द रियल इंटेंशन टू सॉल्व इट. ओके, नेक्स्ट इडियम इज टू टेक द क्लोथ. टेक द क्लोथ का मीनिंग क्या होता है, टू बिकम अ प्रीस्ट, प्रीस्ट बन जाना, पुजारी बन जाना. ओके, सो टेक द क्लोथ मीन्स टू बिकम अ प्रीस्ट, जैसे ये प्रीस्ट बन गया. ओके, सो जॉन टुक द क्लोथ इन 1975, जॉन ने, ही बिकेम द प्रीस्ट इन 1975 में, वो प्रीस्ट बन गया. ओके, सो टेक द क्लोथ का मतलब ये नहीं है कि कपड़ा ले लो, नो, टेक द क्लोथ मीन्स टू बिकम अ प्रीस्ट. नेक्स्ट इज थ्रेडेड हिज वे आउट. Threaded his way out. It means walked carefully through. Carefully walk करना. उसे हम क्या बोलते हैं? Threaded his way out. Okay? So इसका meaning क्या है यहाँ पे? He threaded his way through the crowd. उसने अपना रास्ता बिल्कुल carefully crowd में था, बहुत ज्यादा वहाँ पे crowd था, और उसने अपना रास्ता बहुत carefully find out कर लिया. जैसे ये बहुत carefully जा रहा है यहाँ पे. So threaded his way out means walked carefully through. Carefully walk करना. In that case we can use the idiom threaded his way out. Next is sail under false colors. Okay, sail under false colors. What does it mean? It means hypocritical or pretends to be someone they are not in order to deceive people. Hypocritical क्या होता है? कि आप pretend कर रहे हो कैसे हो, but असली में आप वो नहीं हो. आप लोगों को धोखा दे रहे हो. आप deceive कर रहे हो, धोखा दे रहे हो. जैसे ये person है, ये अंदर से कि हमें नहीं पता एक mask लगा के दुनिया के सामने आया. It means वो pretend कर रहा है कि वो ऐसा है, but असली में वो ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि वो लोगों को धोखा दे रहा है. वो फॉल्स कलर्स में है, ठीक है. सेल अंडर फॉल्स कलर्स, फॉल्स कलर्स में सेल कर रहे हैं. सो नोबडी न्यू दैट निखिल वाज अ सीक्रेट एजेंट, ही वाज सेलिंग अंडर फॉल्स कलर्स. यूसेज क्या है इसका, किसी को पता नहीं था कि निखिल एक सीक्रेट एजेंट है. ही वाज सेलिंग अंडर फॉल्स कलर्स, वो प्रिटेंड कर रहा था, हिपोक्रिटिकल था, ठीक है. इन दैट केस वी कैन यूज सेल अंडर फॉल्स कलर्स, ठीक है. फॉल्स कलर्स क्या होता है, गलत, खराब. ओके, फॉल्स कलर्स, सेल अंडर, उसके अंदर मतलब जैसा प्रिटेंड कर रहे हैं वो वैसा नहीं है. क्यों ऐसा कर रहा है? लोगों को धोखा देने के लिए. ऐसे भी हम इसको यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज 74, विच इज सैलेड डेज. सैलेड डेज का मीनिंग क्या होता है? हैप्पी पीरियड ऑफ योर लाइफ और केयर फ्री इनोसेंस प्लेजर एसोसिएटेड विद यूथ. जैसे बहुत ज्यादा खुश है ना ये, उसे बोलेंगे सैलेड डेज. सैलेड डेज क्या होता है? आपके एक लाइफ का एक हैप्पी पीरियड, और जहाँ आप केयर फ्री हो, इनोसेंस है, बचपन में ऑब्वियसली ये चीजें होती है, आपका हैप्पी पीरियड है, प्लेजर है, जो आपके यूथ के साथ एसोसिएटेड है. जैसे अभी यू आर यंग, सो यू कैन इंजॉय सो मेनी थिंग्स, दैट इज कॉल्ड सैलेड डेज. वट इज द यूसेज? यूसेज इज आई मेट हर इन माई सैलेड डेज, मतलब मैं अपने हैप्पी पीरियड ऑफ माई लाइफ में मैं उससे मिला था. सो सैलेड डेज क्या होता है? हैप्पी पीरियड, जैसे बहुत ज्यादा खुश है, हैप्पी पीरियड है. ओके, इन दैट केस वी कैन यूज सैलेड डेज. 75th is a song and a dance. Okay, a song and a dance. What does it mean? It means to cause a lot of excitement about something or to complain about something. ठीक है, song and a dance का meaning क्या है? किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा excitement को कॉज करना, ठीक है, या फिर किसी चीज के बारे में कंप्लेन करना. उसे ही उससे उस इस तरह से भी हम इसको यूज कर सकते हैं. सो द फर्स्ट यूसेज इज द फिल्म इज नथिंग टू मेक अ सॉन्ग एंड अ डांस अबाउट. मतलब ये फिल्म ऐसी नहीं है कि फिल्म कुछ भी नहीं है कि आप इसके बारे में एक्साइटमेंट क्रिएट करो. सो इन दैट केस वी कैन यूज टू कॉज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट अबाउट समथिंग. कुछ ऐसा भी नहीं है कि आप इसके एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहे हो. और सेकेंड इडियम इज ही वॉज मेकिंग अ बिग सॉन्ग एंड डांस अबाउट द न्यू नेबर. ओके, सो मतलब वो बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रहा है अपने नेबर के बारे में. जैसे कंप्लेन कर रहा है ये, सो इन दैट केस वी कैन यूज अ सॉन्ग एंड अ डांस. ठीक है, जैसे आपके नेबर, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे हमारे नेबर में
एक बंदा आया है, वो जोर जोर से डीजे लगा रहा है, नाच रहा है और डांस कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप कंप्लेन तो करोगे ना. सो अ सॉन्ग एंड अ डांस का मीनिंग है कंप्लेन करना, ठीक है. या फिर किसी चीज के बारे में एक्साइटमेंट बताना, उस चीज को भी हम यूज कर सकते हैं अ सॉन्ग एंड अ डांस. ओके, सो नेक्स्ट idiom इज शोइंग द डोर. वेरी इजी. शोइंग द डोर मीन्स आस्किंग समवन टू लीव, किसी को रास्ता दिखाना, चलो भाई निकलो अब यहाँ से. इन दैट केस वी कैन यूज शोइंग द डोर. सो व्हाट डज इट, सो व्हाट इज द यूसेज ऑफ द idiom? राघव वॉज शोन द डोर ड्यू टू हिज अनप्रोफेशनल बिहेवियर एट वर्क. अनप्रोफेशनल बिहेवियर था राघव का, ठीक है. इन दैट केस ही वॉज शोन द डोर. शोइंग द डोर मीन्स आस्किंग समवन टू लीव. A next idiom is stick to one's guns. Okay, stick to one's guns होता है maintain to his position or refuse to compromise. Compromise करने के लिए refuse कर देना और अपनी position पे maintain रहना, उसे हम बोलते हैं stick to one's guns. Okay, stick to one's guns. जैसे usage is my parents didn't want me to be an actor but I stick to my guns. मेरे parents ने मुझे बोला कि actor नहीं बनना है, जैसे यहाँ पे हम pictures examine कर सकते हैं. This person wants to become an actor, लेकिन उसके parents ने बोला नहीं बनना है भाई आपने actor, but he stick to his guns, लेकिन वो अपनी पोजीशन पे मेंटेन रहा, उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. ओके, एंड ही बिलीव्ड इन हिमसेल्फ. सो दैट इज कॉल्ड स्टिक टू वन्स गन्स. नेक्स्ट इज शेक इन द शूज. शेक इन द शूज का मीनिंग क्या होता है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक फियर, स्टेट ऑफ फियर में रहना, दैट इज कॉल्ड शेक इन द शूज. इट मीन्स टू बी इन अ स्टेट ऑफ फियर. जैसे देखो, इसने शेक इन द शूज को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि शेक क्या होता है, हिलना, ठीक है, शेक करना. सो इन दैट केस टू बी इन अ स्टेट ऑफ फियर. स्टेट ऑफ फियर मीन्स आप बहुत ज्यादा किस में हो, डरे हुए हो आप. ओके, शेक इन द शूज का मीनिंग क्या है, बहुत ज्यादा डर होना. सो उस केस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, टू बी इन अ स्टेट ऑफ फियर. ओके, सो इसका यूसेज यहाँ पे क्या है, रिया इज शेकिंग इन हर शूज आफ्टर वॉचिंग अ हॉरर मूवी. रिया जो है, जैसे इसने हॉरर मूवी देख ली है, उस वजह से बहुत ज्यादा डरी हुई है. सो शेक इन द शूज मीन्स टू बी इन अ स्टेट ऑफ फियर. स्टेट ऑफ फियर में रहने को क्या बोलते हैं हम, शेक इन द शूज. नेक्स्ट इज स्नेक इन द ग्रास. स्नेक इन द ग्रास मीन्स अ हिडन एनिमी. ऑब्वियसली स्नेक इन द ग्रास क्या होता है, छुपा हुआ दुश्मन, उसे हम क्या बोलेंगे, स्नेक इन द ग्रास, जो अक्सर आपको आजकल की दुनिया में मिल जाएंगे. ओके, सो स्नेक इन द ग्रास का मीनिंग क्या है, अ हिडन एनिमी. यूसेज क्या है, डोंट ट्रस्ट हिम, ही इज स्नेक इन द ग्रास. उस पर ट्रस्ट मत करो, वो छुपा हुआ दुश्मन है. सो स्नेक इन द ग्रास, जैसे ग्रास में स्नेक छुपा हुआ है, सो स्नेक इन द ग्रास मीन्स अ हिडन एनिमी. नेक्स्ट idiom इज स्पिल द बीन्स. So spill the beans means to expose a secret. Okay, to expose a secret. किसी secret को expose करना, उसे हम क्या बोलते हैं, spill the beans. Very important. Spill the beans होते हैं expose a secret. Okay, so I asked him not to spill the beans about me coming late to work. जैसे ये जो है, ये इसको क्या बोल रही है कि किसी को बताना नहीं. I asked him कि मैं कि about me coming कि मैं काम पे लेट क्यों आई हूँ. ठीक है, हम ऐसे याद रख सकते हैं कि इसने यहाँ पे क्या बोला, इसको कान में बोला कि मैंने आज बीन्स बनाए हैं घर पे, किसी को बताना नहीं. ठीक है, सो स्पिल द बीन्स, बीन्स से हम याद रख सकते हैं कि इसका सीक्रेट था. ओके, सो आई आस्क्ड हिम नॉट टू स्पिल द बीन्स. नॉट टू स्पिल द बीन्स मीन्स मैंने बीन्स बनाए हैं, ये मेरा सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं कि मैं इसी वजह से लेट आई थी. ओके, सो स्पिल द बीन्स मीन्स टू एक्सपोज अ सीक्रेट. नेक्स्ट इज शेक अ लेग. शेक अ लेग मीन्स शेक अ लेग. शेक अ लेग मीन्स टू गो फास्ट हरी. टू गो फास्ट हरी मतलब फास्टली, हरी ग्रो मतलब जाना, उसको हम क्या बोलेंगे, शेक अ लेग. यूसेज इज लेट्स शेक अ लेग गाइज, वी आर ऑलरेडी रनिंग 10 मिनट्स लेट फॉर अ मूवी. जल्दी भागो, हम ऑलरेडी 10 मिनट लेट है मूवी के लिए, मूवी तो खत्म हो जाएगी. सो शेक अ लेग मीन्स टू गो फास्ट हरी, उसको भी हम क्या बोलते हैं, शेक अ लेग. जैसे शेक अ लेग यहाँ पे हम एग्जामिन कर सकते हैं, शेक अ लेग मीन्स टाइम हो रहा है जल्दी निकलो. इन दैट केस वी कैन यूज द idiom शेक अ लेग. ओके, अ नेक्स्ट idiom इज सैंड्स ऑफ टाइम. सैंड्स ऑफ टाइम क्या होता है, टाइनी अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत कम टाइम है, ये बता रहे हैं यहाँ पे हम इमोजी से एग्जामिन कर सकते हैं इसके मीनिंग को. सैंड्स ऑफ टाइम, सैंड्स ऑफ टाइम का मीनिंग क्या है, बहुत कम टाइम है. सो व्हाट इज द यूसेज, यूसेज इज देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू परस्यू बट ड्यू टू माई सिवियर इलनेस माई अनली एनिमी सैंड्स ऑफ टाइम. कह रहे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं अपनी लाइफ में करना चाहती हूँ बट मेरी ऐसी इलनेस है एक ही टाइम, बट ड्यू टू माई सिवियर इलनेस की वजह से मेरा एक ही दुश्मन क्या है अभी, सैंड्स ऑफ टाइम, कि मेरे पास बहुत कम टाइम है. ओके, सो सैंड्स ऑफ टाइम मीन्स वेरी टाइनी अमाउंट ऑफ टाइम.
नेक्स्ट इज सॉल्ट ऑन द अर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट. ये एग्जाम्स बहुत एग्जाम्स में आ भी चुका है, सॉल्ट ऑन द अर्थ वेरी इंपॉर्टेंट. सो सॉल्ट ऑन द अर्थ मीन्स, इट मीन्स अ वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन. जो बहुत गुड और ऑनेस्ट पर्सन होता है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट ऑन द अर्थ. क्या बोलेंगे, सॉल्ट ऑन द अर्थ का मीनिंग क्या है, वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन. ठीक है, सॉल्ट ऑन द अर्थ, गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन, इसका मीनिंग है दीज फोक्स आर द सॉल्ट ऑन द अर्थ. कि ये जो फोक्स हैं ये बहुत बहुत गुड और ऑनेस्ट है. सो जब भी गुड और ऑनेस्ट होगा कहीं पे, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट ऑन द अर्थ. सॉल्ट ऑन द अर्थ मीन्स गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन. रन इन टू द सैंड, रन इन टू द सैंड मीन्स फेल टू अचीव अ रिजल्ट. आपको रिजल्ट नहीं मिला है, रन इन टू द सैंड, रन इन टू द सैंड मीन्स फेल. जैसे रिजल्ट नहीं मिला, क्रॉस आ गया, ठीक है, नहीं मिला है, उसकी उस चीज को क्या बोलेंगे, फेल टू अचीव द रिजल्ट को क्या बोलेंगे, रन इन टू द सैंड. सो वट इज द यूसेज, द पीस ट्रीटी बिटवीन द टू नेशंस नाउ सीम्स टू बी रनिंग इन टू द सैंड. इट मीन्स जो पीस ट्रीटी दोनों नेशंस में थी उसने कोई भी रिजल्ट अचीव नहीं किया है, ऐसा लग रहा है, इट इज रनिंग इन टू द सैंड. सो रन इन टू द सैंड का मीनिंग है कोई भी रिजल्ट अचीव नहीं करना है. आपने क्रॉस से याद रखना है, रन इन टू द सैंड. ओके, आप सैंड में भाग रहे हो, सैंड में भागोगे तो गिरोगे ही ना, तो कोई रिजल्ट नहीं है, क्रॉस है. तो रन इन द सैंड मीन्स फेल टू अचीव अ रिजल्ट. नेक्स्ट इज रब शोल्डर्स. रब शोल्डर्स का मीनिंग यहाँ पे क्या है, रब शोल्डर्स मीन्स मीट एंड स्पेंड टाइम विद पीपल. लोगों से मिलना, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, दैट इज कॉल्ड रब शोल्डर. जैसे ये अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं रब शोल्डर्स. सो सुनैना रब्स हर शोल्डर्स विद इंटेलेक्चुअल्स टू एनहांस हर नॉलेज. सुनैना जो है वो इंटेलेक्चुअल्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं ताकि अपने नॉलेज को इनहांस कर पाए. ऑब्वियसली आप जितने ज्यादा पढ़े लिखे के साथ बैठोगे, आप थोड़ा बहुत जो है आप उनसे भी बहुत कुछ सीखोगे. ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा बहुत तो सीख ही लोगे. सो मीट एंड स्पेंड टाइम विद पीपल. सो रब शोल्डर्स का मीनिंग क्या है, कि आप लोगों के साथ मिल रहे हो, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो. ओके, दैट इज कॉल्ड रब शोल्डर्स. Round the houses. Round the houses means kept talking about unimportant things rather than concentrating on what they are supposed to be discussing. अनइम्पॉर्टेंट चीजों के लिए, जैसे अनइम्पॉर्टेंट राउंड द हाउसेस, अनइम्पॉर्टेंट चीजों के लिए आप बात कर रहे हो और जिस पे कॉन्सेंट्रेट करना है उस पे कर ही नहीं रहे हो, उसे बोलेंगे राउंड द हाउसेस. ठीक है, राउंड द हाउसेस. हम इसको ऐसे एग्जामिन कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मम्मा ने बोला कि ये काम कर दो घर पे, और हम घर के चक्कर लगा रहे हैं. ओके, घर के चक्कर लगा रहे हैं, जो काम करने के लिए बोला वो काम हमने किया ही नहीं है. सो जो जिस पे कंसंट्रेट करना है वो किया ही नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट किया है. सो इसे हम क्या बोलेंगे, राउंड द हाउसेस. सो व्हाट इज द यूसेज, यूसेज इज जस्ट गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट, देयर इज नो नीड टू गोइंग ऑल अराउंड द हाउसेस. बिल्कुल पॉइंट पे आओ आप, कोई जरूरत नहीं है आगे पीछे की अनइम्पॉर्टेंट चीजों की बात करना. सो राउंड द हाउसेस मीन्स कैप टॉकिंग अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स रादर देन कंसंट्रेटिंग ऑन व्हाट दे आर सपोज टू बी डिस्कसिंग. नेक्स्ट इज रिड्यूस टू एशेस. रिड्यूस टू एशेस का मीनिंग यहाँ पे क्या है, रिड्यूस टू एशेस मीन्स डिस्ट्रॉयड और मेड यूजलेस. क्या मीनिंग है इसका, किसी चीज को यूजलेस कर देना. रिड्यूस टू एशेस, बिल्कुल ऐशे ऐश में हो गया, ऑब्वियसली यूजलेस हो गया. सो यूसेज इज शर्मास हाउस वॉज रिड्यूस्ड टू एशेज बाय द फायर. आग लग गई, उसका घर पूरा खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया. सो रिड्यूस टू एशेज का मीनिंग क्या है, डिस्ट्रॉयड और मेड यूजलेस. ओके, शर्मास हाउस वॉज रिड्यूस टू एशेज बाय द फायर. नेक्स्ट इज 80th, दैट इज रेड लेटर डे. रेड लेटर डे वेरी इंपॉर्टेंट डे इन अ पर्सन्स लाइफ. सो रेड लेटर डे का मीनिंग क्या, एन इंपॉर्टेंट डे और इवेंट. ओके, इंपॉर्टेंट डे और इवेंट जो अभी बहुत से बच्चों का आएगा, important day or event, वो क्या है, इसका usage यहाँ पे क्या है, the day I got my first job was a real red letter day for me. वो दिन जब मुझे पहली job मिली थी वो मेरे लिए बहुत important day और event था. ठीक है, red letter day का meaning क्या है, an important day or event. okay, नेक्स्ट इज रेड हेरिंग. रेड हेरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी. रेड हेरिंग का मीनिंग क्या होता है, समथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट्स अटेंशन फ्रॉम द मेन इशू अ डाइवर्जन. देखो, कोई आपका मेन इशू है और आप उस बात से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, उसे हम क्या बोलेंगे, रेड हेरिंग. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप रात को मूवी देखने गए और आप रात को घर पे आ रहे हो 1 बजे. ठीक है, आप घर पे 1 बजे आ रहे हो, आपकी मम्मा ने यहाँ पे डोर खोला और मम्मा बोल रहे कहाँ थे आप अभी अब इतनी देर से, 1 बजे आप घर आ रहे हो, और आप बोलोगे बहुत ज्यादा फीवर हो रहा है मुझे, बहुत ज्यादा फीवर हो रहा है, शिवरिंग हो रही है, शिवरिंग हो रही है. ऑब्वियसली जो मम्मा है वो क्या करेगी, ओहो बैठो बैठो बैठो, फटाफट ब्लैंकेट ले आएगी, ऐसे करेगी. तो आपने क्या कर लिया, एकदम से मम्मा को डिस्ट्रैक्ट कर लिया किसी और बात पे. ठीक है, एकदम से डिस्ट्रैक्ट कर लिया, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, रेड हेरिंग. क्या बोलेंगे, रेड हेरिंग. रेड हेरिंग क्या होता है, समथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट्स अटेंशन फ्रॉम द मेन इशू और डाइवर्जन. आप मेन इशू से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी को, उसे हम क्या बोलेंगे, रेड हेरिंग. जैसे यहाँ पे आप मेन इशू से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, बिल्कुल जो आपने काम करना है उस चीज पे बात तो कर ही नहीं रहे हो. ठीक है, उसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, रेड हेरिंग.
ओके सो यूसेज क्या है यहाँ पे, शर्लॉक होम्स नॉवेल्स आर फेमस फॉर इंट्रोड्यूसिंग रेड हेरिंग टू एरोज द रीडर्स इंटरेस्ट, इट जस्ट द यूसेज. ठीक है, यूसेज क्या है कि शर्लॉक होम्स के जो नॉवेल्स होते हैं हमेशा उसमें ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया जाता है और वो इंटरेस्ट को और बढ़ाते हैं. ठीक है, सिंपल टर्म्स रेड हेरिंग क्या याद रखना है कि हम घर पे 1 बजे पहुंचे, अब हमें पता है हमारे मुंह पे चांटा पड़ जाएगा, हमारा मुंह रेड हो जाएगा. ठीक है, सो रेड हो जाएगा लेकिन हमने अपनी मम्मा को डिस्ट्रैक्ट कर दिया. डिस्ट्रैक्ट कैसे कर दिया कि हमें, हमने बोला कि हमें फीवर, हमें ब्लैंकेट दे दो. सो दैट इज कॉल्ड द रेड हेरिंग. ओके, सो लास्ट आइडियम फॉर टुडेज क्लास इज रेड कार्पेट. रेड कार्पेट का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, रेड कार्पेट सिंपल टर्म्स हमें पता ही है, इसका मतलब होता है टू वेलकम समवन एज ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन और गेस्ट. जो हम देखते हैं टीवी में जब अवार्ड शोज होते हैं रेड कार्पेट वहां पे रख देते हैं. ठीक है, वेलकम करते हैं किसी को जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन या गेस्ट हो, उस केस में हम क्या यूज करते हैं रेड कार्पेट. यूसेज इज प्रिंस विलियम एंड प्रिंसेस केट गेट द रेड कार्पेट ट्रीटमेंट वेर एवर दे गो. जहां पे भी वो जाते हैं उनको रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिलता है. इट मीन्स बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन को जैसे वेलकम किया जाता है वैसे किया जाता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रेड कार्पेट. ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू फॉर लिसनिंग.